subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज का स्टूडेंट लोग का उर्दू क्लास दसवीं के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, और यहां पे आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हद तक आपका हेल्प करेगा। और इसमें से कोई किताब से लिया गया है, और ये जो क्वेश्चन आपको पूरे गैस के साथ दिया गया है, जो कि इस बार के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए देख पा रहे आप लोग, क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे दिया हुआ कि शामिल निसाब नज़म हम नौजवान है के शायर कौन है। तो इसके शायर जो है परवेज़ साहिदी है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर अलीफ़ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि शायर में नसीम किसके शागिर्द थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन में सही की बात करें तो ये हो जाएगा आतिश, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी आतिश के शागिर्द थे। उसके बाद क्वेश्चन अगला है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो इसका असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जीम राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है कि शामिल नसाब नज़म बिजली का खम्बा के शायर कौन है। तो इसके शायर पता होगा आप लोग अगर पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा नदा फाजली, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन अगला है कि सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई। तो इसकी पैदाइश हुई थी 1911 ईस्वी को, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं। तो पता होगा आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मक्ता कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर कराई थी। तो ये किया था शाहजहाँ ने, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जीम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन उसके बाद है कि कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था। तो इसके वालिद का नाम था, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सैयद अताउल्लाह खां था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन अगला है कि सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था। तो इसका इंतकाल हुआ था 1980 ईस्वी को शायद, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था, 1980 ईस्वी को। उसके बाद क्वेश्चन अगला है कि शबनम कमाली किस ज़िले में पैदा हुए थे। तो ये हुए थे सीतामढ़ी, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी सीतामढ़ी ज़िले में पैदा हुए थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सर सैयद की वफ़ात कब हुई। तो पता होगा सबको, ऑप्शन यहाँ का अलीफ राइट हो जाएगा, यानी 1998 को हुई थी। क्वेश्चन अगला है कि चिकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अलीफ हो जाएगा, यानी फालिज। उसके बाद क्वेश्चन अगला है कि मिर्जा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था। तो इसका ख़ानदानी पेशा था, ऑप्शन नंबर का यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी तबाबत। क्वेश्चन अगला है कि नसीम की मसनवी का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अलीफ, यानी गुलजार नसीम, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे अलीफ राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र सिंह बैदी किस शहर में पैदा हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जीम, यानी लाहौर में पैदा हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन है कि मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की थी। तो शादियाँ तीन की थी, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर जीम राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कि नसीम का इंतकाल कब हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1845 को। अब अगला क्वेश्चन है कि हसन नईम किस अदारे में डायरेक्टर के अहद पर फायज थे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग यहाँ पे कि हसन नईम का इंतकाल कब हुआ। तो इसका इंतकाल हुआ था 1991, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका अलीफ राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि मुबारक अजीम आबादी के वालिद का क्या नाम था। तो इसके वालिद का नाम था फदा हसन, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे अलीफ राइट हो जाएगा, यानी फदा हुसैन। उसके बाद क्वेश्चन है कि मिर्जा शौक का असल नाम क्या था। तो इसका असल नाम था तसद्दुक हुसैन, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर अलीफ राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं मतला, ऑप्शन नंबर आपका अलीफ यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि नदा फाजली का इंतकाल कब हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है कि निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो यहाँ पे आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जीम, यानी आसियाना। अब अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंग्रेज़ों ने। अब अगला क्वेश्चन है कि परवेज साहिदी का इंतकाल कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, यानी 1968। तो यहाँ तक हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं इस वीडियो में। अगर आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट में बताइए तो बताइएगा, तो मैं अगला वीडियो जल्दी ही लेके आ जाऊँगा आप लोग के लिए। तो चलिए यहीं तक वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए।